स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली आशा और उषा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। 29 दिन से धरने पर बैठी इन आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की भी मांग रखी है। प्रदेश भर में आशा उषा कार्यकर्ता 15 मार्च से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। किन्नौरी में आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग रखी। साथ ही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। हम लोग पूरे प्रदेश में 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, लेकिन हमारी दो मांग थी, एक नियमितीकरण का, एक निश्चित वेतन मांग का। लेकिन आज तक एमपी सरकार हमारी तरफ सुध नहीं ली, न हमको कोई आश्वासन दिया गया। जो 15 जून 2021 में जो वादा आश्वासन दिया गया था, जब उस समय भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, तो दो सूत्री मांगे थी हमारी, उसमें भी शासन ने यही बोला था कि एक गठन का मतलब एक संगठन बना के और मैं निर्णय लूंगा और आपको बताऊंगा। ऐसा आज तक वो भी निर्णय गया, 2021 से दो साल जा रहे हैं। आज हम 15 जून से पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरने पे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर हमारी ओर ऐसी करती रही, ध्यान नहीं दी, तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।